आप सबों को मेरा नमस्कार। आई डॉक्टर राजीव रंजन वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय मोटिवेशनल एंड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म राजीव प्रेरणा मंच। माय गाइस, आई विल गिव अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर टुडे एंड दैट इज रिलेटेड टू सीबीएसई क्लास 12th रेगुलर स्टूडेंट एंड द टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन फॉर सीबीएसई क्लास 12 एंड द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द मार्किंग स्कीम एंड ऑल्सो the moderation policy and the today's 21st June latest update has been given by Supreme Court. I will discuss completely in this video lecture. In the latest objective criterion, formula has been given for the marking scheme, that is 30 plus 30 plus 40 formula, and completely we have to discuss in this session. 10th board ke 5 vishay mein se jo best 3 papers ke score honge उसका एवरेज निकाल कर 30% मार्क्स निकाला जाएगा और उसको 12th बोर्ड के पेपर में ऐड किया जाएगा। अर्थात बेस्ट ऑफ 3 सब्जेक्ट्स जिसमें छात्र का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है उसके औसत के आधार पर 30% मार्क्स डिसाइड होंगे और खुद सीबीएसई द्वारा निर्धारित होगा। परंतु वैसे छात्र जो अदर देन सीबीएसई बोर्ड के हैं उनके परिणाम स्कूल में रखने होंगे। उसी प्रकार क्लास 11th की वार्षिक परीक्षा में पांचों विषयों में जो अंक मिले हैं उनका एवरेज लिया जाएगा और उसी के आधार पर 30% अंक दिए जाएंगे। क्लास 12th में यूनिट टेस्ट, मिड टर्म और प्री बोर्ड एग्जामिनेशन से 40% अंक तय किए जाएंगे। 12th बोर्ड के अंक में इंटरनल असेसमेंट में 20 में से जितने अंक आएंगे वह उसमें ऐड होगा। इन सम द असेसमेंट ऑफ क्लास 12th शुड बी अ कंपोजिट मेजर दैट रिफ्लेक्ट्स द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन स्कूल बेस्ड परफॉर्मेंस इन क्लास 12th एंड क्लास 11th एग्जाम्स एंड रिजल्ट्स ऑफ द परफॉर्मेंस इन द बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ मेन 5 सब्जेक्ट्स इन क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स duly moderated as the policy. In this objective criterion, the marks of practical, the marks of internal assessment, etc. of class 12th will be in actual basis as uploaded by the school on the CBSE portal. According to this policy, if the candidate is not satisfied with their marks, the students who are not satisfied with the assessment done based on the policy will be given an opportunity to appear in examinations to be conducted by board when conditions are conducive for holding the examination. As per this policy, marks scored in later examination will be considered as final. आज सुप्रीम कोर्ट में 21 जून को यह स्पष्ट किया गया है कि 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में परीक्षाएं आयोजित होगी और उसमें जो असंतुष्ट छात्र होंगे अपनी परीक्षा में अपीयर हो सकते हैं। आईसीएसई बोर्ड ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट किया है कि छात्रों का 12th बोर्ड का परिणाम 6 वर्षों के परीक्षा परिणाम के आधार पर दिया जाएगा। कक्षा 7 से लेकर 12th तक की उसकी शैक्षणिक योग्यता का मूल्यांकन किया जाएगा, छात्रों को उसके आधार पर सर्वोत्तम अंक दिए जाएंगे। सीबीएसई और आईसीएसई दोनों बोर्ड का परीक्षा परिणाम 31 जुलाई को निश्चित रूप से आना तय है। माननीय उच्च न्यायालय में जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस दिनेश महेश्वरी की पीठ ने सीबीएसई एवं आईसीएसई के फॉर्मूले को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। पीठ ने यह भी कहा है कि नतीजों की घोषणा और प्रस्तावित परीक्षा की समय सीमा भी स्पष्ट की जाए। छात्रों को प्रैक्टिकल के हूबहू अंक मिलेंगे एंड द वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स हियर, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रिजल्ट कमिटी फॉर फाइनलाइजिंग द रिजल्ट्स वुड बी एज फॉलोज। रिजल्ट कमिटी विल बी कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर्स। प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल विल बी चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी। 2 सीनियर मोस्ट टीचर्स ऑफ द स्कूल teaching class 12th and 2 teachers from neighboring senior secondary school of teaching class 12th, and the result committee may also invite a
teacher with IT background for full-time assistance in computation of results. In this year, the assessment has been done by the schools and the answer books have been shown or handed over to the students by the schools. Process of verification of marks and providing photocopy and re-evaluation scheme will not be applicable for this session 2020-21. इस ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन का सबसे जो महत्वपूर्ण टिप्स है वो मॉडरेशन पॉलिसी है। उस पॉलिसी के तहत सभी छात्रों को स्कूल के द्वारा प्रत्येक सब्जेक्ट में 5 अंक दिए जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर किसी छात्र को 30+30+40 ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के आधार पर उन्हें 500 अंक में से 440 अंक प्राप्त होते हैं तो उन्हें मॉडरेशन पॉलिसी के तहत 460-465 अंक मिलने की पूरी संभावना है। आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट कंपार्टमेंट एग्जामिनेशंस विल बी कंडक्टेड फॉर द स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू मीट द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया इन वन सब्जेक्ट एंड प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट कैटेगरी। वैसे विद्यार्थी जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के आधार पर क्वालिफाई नहीं करेंगे उनके लिए कंपार्टमेंट कैटेगरी में उन्हें रखा जाएगा और कंड्यूसिव सिचुएशन होने की स्थिति में परीक्षा जब आयोजित होगी तो उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति उन्हें दी जाएगी। 2020 के इस बोर्ड रिजल्ट के आधार पर विद्यालय या अथवा सीबीएसई बोर्ड के द्वारा कोई मेरिट लिस्ट तैयार नहीं किया जाएगा। अब एनेक्सर 4 में दिए गए एक्टिविटी के आधार पर संबंधित तिथियों के बारे में मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा। बाय 23 जून फॉर्मेशन ऑफ रिजल्ट कमिटी बाय स्कूल एंड बाय 30 जून फाइनलाइजेशन ऑफ रोड मैप एंड शेड्यूल बाय द कमिटी बाय 15 जुलाई अपलोडिंग ऑफ मार्क्स ऑन बोर्ड्स लिंक बाय 28 जून प्रोविजन ऑफ सब्जेक्ट्स वाइज स्कूल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स एज पर प्रीवियस बोर्ड्स एग्जाम बाय सीबीएसई एंड बाय 8 जुलाई अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्टल फॉर अपलोडिंग ऑफ मार्क्स एंड बाय 31 जुलाई डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट बाय सीबीएसई। आज सीबीएसई के द्वारा एक प्रेस नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव रिजल्ट जो तैयार किए जाएंगे उसको अपलोड करने के लिए पोर्टल विधिवत तैयार किया गया है। इस पोर्टल में जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं इंटरनल ग्रेड अपलोड, सेकंड प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स इंटरनल असेसमेंट मार्क्स अपलोड एंड थर्ड वन इज क्लास 12th डेटा वेरिफिकेशन एंड फोर्थ वन इज अवेलेबिलिटी ऑफ हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस ऑफ स्कूल्स एंड फिफ्थ वन इज क्लास 11th थ्योरी मार्क्स डेटा एंट्री एंड sixth point is class 12th theory marks data entry upload and seventh one is class 12th complete tabulation sheet for checking moderation of theory marks class 11th 12th and uploaded। इस पोर्टल की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि अगर सीबीएसई के छात्रों के द्वारा दसवीं कक्षा के रोल नंबर उस पर अंकित किए जाएंगे तो उसके मार्क्स हूबहू उसमें बोर्ड के द्वारा जारी किया जाएगा। सो माई गाइज बेस्ट ऑफ लक, माई गुड विशेस टू ऑल ऑफ यू, बी पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।